हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो इंग्लिश का बुक है क्लास 5 द बटरफ्लाई, उसका जो लेसन है द बर्ड्स आई, उसके पार्ट 2 को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के पार्ट 1 और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसे किया था, और आज इसका जो बचा हुआ भाग है उसे करेंगे और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है उसे करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टीचर्स कॉल्ड ऑल हिज डिसाइपल्स एंड सेड, डिसाइपल्स का मतलब क्या होता है? शिष्य। टीचर कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी ने क्या किया? अपने जो सारे शिष्य थे उनको बुलाया और कहा, लुक माई चिल्ड्रेन, अ वुडन बर्ड, लकड़ी की, वुडन यानी काठ, ठीक है, इसे हम लकड़ी भी बोलते हैं, एक लकड़ी की चिड़िया जो है, इट्स सिटिंग ऑन दैट फार ऑफ ट्री, उस पौधे पर, पेड़ पर एक चिड़िया जो है वो बैठी हुई है। यू हैव टू हिट द एरो एग्जैक्टली इन इट्स आई, तुम लोगों को क्या करना है, उस चिड़िया की आंख में बिल्कुल ही सटीक निशाना मारना है। हिट यानी मारना, और एग्जैक्टली का मतलब होता है सटीक, ठीक है। तो अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि वहां दूर पेड़ पर एक काठ की चिड़िया मैंने टांगी है, वहां उसको क्या करना है, उसकी आंख में आपको निशाना मारना है। आर यू रेडी, क्या तुम सब तैयार हो? Everyone nodded. Nodded का मतलब होता है सबने सिर हिलाया, सिर हिलाना, सबने सिर हिलाया। First the eldest युधिष्ठिर, सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। तो eldest का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया, was invited. Invited का मतलब निमंत्रण, सबसे पहले युधिष्ठिर को निमंत्रण दिया गया। इसके लिए टू ट्राई हिज स्किल्स, अपना जो कौशल है बाण और धनुष चलाने का उसे दिखाने के लिए। व्हेन युधिष्ठिर वाज रेडी द्रोणाचार्य आस्क्ड, जैसे ही युधिष्ठिर तीर चलाने के लिए तैयार हुआ द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, युधिष्ठिर प्लीज टेल मी व्हाट यू कैन सी, युधिष्ठिर बताओ तुम क्या देख पा रहे हो। युधिष्ठिर रिप्लाइड इनोसेंटली, भोलेपन के साथ, इनोसेंटली का मतलब होता है भोलापन, ठीक है। युधिष्ठिर जो रहता है वो भोलेपन के साथ उत्तर देता है, गुरुदेव आई कैन सी, गुरुदेव आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूँ, द ट्री पेड़ को देख सकता हूँ, पीपल अराउंड मी मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनको देख सकता हूँ, एंड द बर्ड उस चिड़िया को भी देख सकता हूँ। द्रोणाचार्य रिप्लाइड, द्रोणाचार्य फिर कहते हैं, ऑल राइट ठीक है, लीव योर बो एंड एरो एंड गो, अपना तीर धनुष यही छोड़ दो और जाओ। लीव का मतलब होता है जाना, अपना तीर धनुष यही छोड़ दो और जाओ। युधिष्ठिर वॉज सरप्राइज्ड, युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य होता है, बट ही ओबेड हिज गुरु, वो अपने गुरु की बात मानता है। ही साइलेंटली, साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप वहां से चला जाता है, वॉक्ड बैक, पीछे हट जाता है। टू हिज ब्रदर्स विदाउट अ क्वेश्चन, बिना कोई प्रश्न पूछे चुपचाप वहां से चला जाता है। नेक्स्ट वॉज टर्न ऑफ दुर्योधना, इसके बाद दुर्योधना को बुलाया जाता है। दुर्योधन आस्क्ड, द्रोणाचार्य आस्क्ड, अब द्रोणाचार्य पूछते हैं फिर से, ओह द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ कौरवा, कौरव के सबसे बड़े भाई, मे आई नो वॉट इज विजिबल टू यू एट दिस मोमेंट, इस समय तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन रिप्लाइड, दुर्योधन बोलता है, गुरुदेव आई कैन सी द बर्ड, मैं चिड़िया देख सकता हूँ, द ट्री पेड़ देख सकता हूँ, द लीव्स पत्ते देख सकता हूँ, द फ्रूट्स फल देख सकता हूँ,
अनदर बर्ड, दूसरी चिड़िया भी देख सकता हूँ। बट बिफोर ही कुड कंप्लीट, लेकिन अभी वो अपनी बात बोल ही रहा था, उसके बोलने से पहले ही, बात पूरी करने से पहले ही द्रोणाचार्य सेड, द्रोणाचार्य कहते हैं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। दुर्योधन वॉज एंग्री, दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाता है। ही थ्रू द बो एंड द एरो टू द ग्राउंड एंड स्टूड असाइड, वो अपना तीर धनुष जो रहता है वहीं पर फेंक देता है। थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पर, ठीक है। तो वो क्या कर देता है गुस्से में, फेंक देता है। सिमिलर क्वेश्चन, मतलब वही प्रश्न कि तुम क्या देख पा रहे हो। वेर पुट टू भीम, नकुल, सहदेव एंड अदर्स, सभी भाइयों से यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि तुम लोग पेड़ पर क्या देख सकते हो। फ्रॉम देम टू द्रोणाचार्य गॉट आंसर सिमिलर टू दोज गिवन बाय द युधिष्ठिर एंड दुर्योधना, और सभी जो भाई रहते हैं भीम, नकुल, सहदेव, वो सब वही उत्तर देते हैं जो युधिष्ठिर और दुर्योधन ने दिया था कि उन्हें पेड़, पत्ते, पौधे, चिड़िया, लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लास्टली, आखिर में, इट वॉज टर्न ऑफ अर्जुना, अर्जुन को मौका मिलता है, अर्जुन की बारी होती है। ही वॉज रेडी विथ हिज बो, वो अपने धनुष के साथ तैयार होता है, एंड एरो, ठीक है, वो अपने तीर धनुष के साथ तैयार होता है। द गुरु आस्क्ड हिम, गुरु फिर से वही पूछते हैं, ओ अर्जुना, विल यू टेल मी व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय यू, तुम क्या देख पा रहे हो, क्या तुम्हारे द्वारा देखा जा रहा है। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज को ध्यान से देखना या निरीक्षण करना, ठीक है, ठीक है। अर्जुन जवाब देता है, आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड, मैं केवल चिड़िया की आंख देख पा रहा हूं। रिप्लाइड अर्जुना विदाउट ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ हिज टारगेट, बिना एक मिनट के लिए भी नजर हटाए वो यही उत्तर देता है कि मैं केवल चिड़िया की आंख देख पा रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब इस पे गुरु जी कहते हैं, कांट यू सी द ट्री एंड द स्काई और परहैप्स द ब्रांच वेयर द बर्ड इज सिटिंग, क्या तुम्हें पेड़, आकाश, पौधे की शाखाएं, चिड़िया कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हिज टीचर आस्क्स, नो गुरुदेव, ऑल आई कैन सी इज द आई ऑफ द बर्ड, अर्जुन बोलता है, नहीं गुरुजी, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, सेड अर्जुना होल्डिंग हिज बो स्टेडली, स्टेडली का मतलब होता है स्थिरता के साथ अपने तीर और धनुष को पकड़कर वो ये बात कहता है। नाउ द्रोणाचार्य वॉज वेरी ग्लैड, द्रोणाचार्य बहुत खुश होते हैं। ही प्रेज्ड अर्जुना फॉर हिज इमेंस, इमेंस का मतलब होता है ग्रेट, ठीक है, महान। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, एकाग्रता, ठीक है, बहुत उसकी एकाग्रता के लिए बहुत उसकी तारीफ करते हैं। विथ अ स्माइल ऑफ हिज फेस, द्रोणाचार्य सेड, शूट विथ अ लाउड टंग द एरो स्प्रेंग फ्रॉम द बो एंड स्टक द बर्ड्स आई, जैसे ही द्रोणाचार्य कहते हैं शूट, वैसे ही एक जोर की आवाज होती है और एरो जो होता है यानी कि तीर जो होता है वो निकल कर जाकर सीधा चिड़िया की आंख में लग जाता है। द्रोणाचार्य टर्न्ड टू द अदर प्रिंसेस, द्रोणाचार्य दूसरे राजकुमारों की ओर घूमते हैं। ही सेड, और कहते हैं, डू यू ऑल अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ दिस टेस्ट, क्या तुम समझ पाए इस टेस्ट का कारण। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, व्हेन यू एम फॉर समथिंग, जब तुम किसी चीज के लिए लक्ष्य करते हो, यू मस्ट लुक एट द टारगेट एंड नथिंग एल्स, तुम्हें केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं। ओनली विथ इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन कैन वन स्ट्राइक द टारगेट, केवल बहुत एकाग्रता के द्वारा ही कोई जो है वो अपने लक्ष्य को भेद सकता है। ऑल ऑफ यू सॉ अदर थिंग्स लाइक द ट्री, तुम सब दूसरी चीजों को देख रहे थे, जैसे कि पेड़, फ्रूट्स, लीव्स,
and the people because you were not concentrating on the task given to you. क्योंकि तुम लोगों को जो लक्ष्य दिया गया था, जो टास्क दिया गया था, तुम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें आसपास की चीजें जैसे पेड़, फल, पत्ते, लोग दिखाई पड़ रहे थे. इट वॉज ओनली अर्जुना, यह केवल अर्जुन ही था वो who had actually concentrated, जो कि वास्तव में एकाग्र था. So now all of you know why Arjuna is the best student. तो अब तुम सबको पता चल गया होगा कि अर्जुन क्यों सबसे अच्छा विद्यार्थी है. द्रोणाचार्य tests silent the Kauravas. द्रोणाचार्य ने जो यह टेस्ट लिया उससे जो सारे कौरव जो हमेशा इस बात को मानते थे कि द्रोणाचार्य अर्जुन को ज्यादा पसंद करते हैं वो सब चुप हो जाते हैं. And all understand that Arjuna was indeed the best archer. और सभी को समझ में आ जाता है कि अर्जुन जो है वो सच में एक महान और सबसे अच्छा धनुर्धर है. ठीक है, तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही बताना है कि यदि हमें कोई लक्ष्य मिले तो हमें उस पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं. ठीक है, आइए अब हम इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स है, एक्टिविटीज है, उसे देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट होती है 8 से, क्योंकि 1 से 7 तक की एक्टिविटी जो है वो पार्ट 1 में हम लोगों ने किया है, ये पार्ट 2 में हम लोग एक्टिविटी 8 से पूरा करेंगे. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है. लेट्स राइट ए और एन और द इन द बॉक्सेस बिलो. तो इसमें क्या करना है, आपको आर्टिकल भरना है, ए एन द जो आर्टिकल होते हैं आपको वो बॉक्सेस में भरने हैं. ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं. ही ऑलवेज स्पीक, क्या होगा, वो हमेशा बोलता है द ट्रुथ. ठीक है, नीला हैज सीन, क्योंकि ताजमहल एक होता है तो ताजमहल के लिए भी द. मिस्टर सेन इज ऑनेस्ट मैन, क्योंकि एच जो होता है वो होता तो कॉन्सोनेंट है बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भोवेल की तरह होता है, इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन. ठीक है, अमल इज ड्राइविंग ए मैप ऑफ इंडिया. अमल इज ए ड्रॉइंग, ठीक है, सॉरी, ड्रॉइंग अ मैप ऑफ इंडिया. गंगा है, नदी है, एक ही नदी, तो द गंगा. ठीक है, हैव यू सीन एन ऑल, यहाँ पे ओ है, भोवेल है, तो एन लगेगा. ग्रैंडफादर गिव मी अ डॉल, दादाजी ने मुझे एक डॉल दिया. ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया. एक्टिविटी 9 में देखते हैं. एक्टिविटी 9 में कह रहा है कि लेट्स लुक एट द पिक्चर बिलो, ये जो चित्र दिया गया इसे आप ध्यान से देख लो. ठीक है, आपके बुक में भी होगी, आप इसे खोल कर देख सकते हो, पेज नंबर 100 में आपको मिल जाएगी, बटरफ्लाई का जो आपका बुक है. ठीक है, बटरफ्लाई के बुक में पेज नंबर 100 में आपको मिल जाएगी. ठीक है, उसमें ये आपको चित्र ये वाली मिल जाएगी. और उससे क्या कहा गया है, उससे कहा गया है कि उस चित्र को देख के आपको जो है इसको करना है. कहा गया है लेट्स फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड डिस्क्राइब द रूम. तो उस चित्र को देख के यहाँ पर जो है वो भरना है. एक्चुअली ये प्रीपोजिशन भरने के लिए कहा गया है, तो आइए हम लोग इसको करते हैं. There is a table, the center of the room. ठीक है, तो जब जगह के बारे में बताया जाता है तो वहां पर क्या होता है, एट लगाते हैं. ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द रूम. There is a vase, vase है टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर होने से ऑन. सम फ्लावर आर, क्योंकि वास के अंदर फ्लावर है तो इन टू. ठीक है, और डॉग इज लाइंग, क्या होगा, टेबल के नीचे है. आप चित्र में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अंडर. ठीक है, अ फैन इज हैंगिंग फ्रॉम, क्योंकि वो सीलिंग से छत से लटका हुआ है तो फ्रॉम होगा. अ बुक सेल्फ इज डोर के पीछे है तो बिसाइड. ठीक है, अ कैट इज वॉकिंग इन द रूम. ठीक है, के बाद आइए हम लोग एक्टिविटी 10 करते हैं. एक्टिविटी 10 के भीतर आप लोगों को क्या करना है, देखिए सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं. लेट्स पुट अ टिक बिसाइड दोज वर्ड्स विच आर एडवर्ब्स. कह रहे हैं कि जो एडवर्ब है
उस पर क्या करो, टिक कर दो, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या क्या एडवर्ब है। एडवर्ब है जैसे इक्वली, एग्जैक्टली, स्टेडली, ओपनली, बेसिकली जिसके अंदर, ठीक है, ये एल वाई, साइलेंटली, ये सब है ना, ये क्या है, क्वालिटीज ऑफ वर्ब है, ठीक है। जहाँ पे क्वालिटीज ऑफ वर्ब है वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए इसको हम लोग करते हैं। एडवर्ब किसको कहते हैं, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। तो यहां पर देखिए, यहाँ पे एडवर्ब कौन कौन से होंगे, साइलेंटली एडवर्ब होगा, नाउ समय एडवर्ब होता है, सून एडवर्ब है, इसके अलावा आपका नियर एडवर्ब है, ठीक है, और एग्जैक्टली एडवर्ब है। ये कुछ वर्ड्स एडवर्ब है। देखिए बच्चों, ये जो ग्रामर के पोर्शन होते हैं ना, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, ये एक अलग चीज होते हैं। इनको चैप्टर के बीच में पूरे आपको अच्छे से बता पाना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज अ बिग पोर्शन, ये एक बड़ा पोर्शन है, बड़ा पार्ट है, तो उसको सीखेंगे अलग से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट चैप्टर का आपको बता दे रही हूँ। एक्टिविटी 11 देखिए, एक्टिविटी 11 में भी आपको क्या करना है, एडवर्ब भरना है, जहां पर जो सुटेबल एडवर्ब होगा उसको भरना है। ओके, तो आइए देखते हैं। वी ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स, कैसे खोलेंगे, मान लीजिए बॉक्स है तो उसको कैसे खोलेंगे, केयरफुली ना, केयरफुली। द मैन वॉज क्या है, द मैन वॉज ऑनेस्टली पुअर, बट ही लिव्ड वेयर, क्या हो सकता है बताइए, बट ही लिव्ड, इसके अंदर हम लोग इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किस तरीके से होगा। अच्छा देखिए, यहाँ ऑलवेज नहीं होगा, द मैन वॉज भैरी होगा, ठीक है, द मैन वॉज भैरी, क्यों, क्योंकि और सारे वर्ड्स इसमें सही नहीं बैठ रहे, तो मैन वॉज वेरी पुअर बट ही लिव ऑनेस्टली, आदमी जो है वो बहुत ही गरीब है लेकिन वह बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से जीता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला देखते हैं, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स, हमें हमेशा दूसरों के मदद करनी चाहिए। यस्टरडे देयर वॉज एन एक्सीडेंट, पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पर, नियर, ठीक है, नियर रेनूस हाउस, रेनू के घर के पास। सोल्जर्स फाइट, सोल्जर्स लड़ेंगे फाइट, सोल्जर्स लड़ाई लड़ेंगे कैसे बताइए, ब्रेवली ना, साहस के साथ। आई, और आखिर में हमारा एक बच गया जो है लास्ट, नेवर, आई नेवर वेंट टू अ जू, मैं कभी भी चिड़ियाघर नहीं गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स टू वर्क टुगेदर, यहाँ पे एक क्या किया गया, पिक्चर दिया गया है, किसका पिक्चर है, ये पिक्चर है आपका बैताल, बैताल का आपको दिया गया है ये पिक्चर। पच्चीसी का, ठीक है, बैताल पच्चीसी का आपको ये एक चित्र दिया गया है। तो आपको उसके आधार पर इसको करना है, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बैताल पच्चीसी के, देखिए यहाँ पे एक विक्रम है, उसके ऊपर बैताल बैठा हुआ है, फिर वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये चित्र देख लेना है बुक से, बुक में ये चित्र आपको मिलेगा पेज नंबर 103 में, पेज नंबर 103, 103 नंबर पेज में आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप इस चित्र को देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको स्टोरी को सजाना है एक में एक करके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक आपके लिए कर दिया गया है कि बेताल पुट फॉरवर्ड अ पजल टू विक्रम, बेताल जो है वो विक्रम के सामने एक पजल देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आपको स्टोरी सजाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखो, पहला ही हम लोग वर्ड पढ़ते हैं,
अ वुमन कॉल्ड लीलावती मैरिड अ थीफ। लीलावती के साथी एक चोर से हो जाती है एंड द थीफ डिसाइडेड टू गिव अप स्टीलिंग। और जो वो रहता है वो सोचता है कि हम चोरी करेंगे। तो ये वाला क्या है, 2 नंबर। ठीक है, अब 3 नंबर हमको खोजना है। तो 3 नंबर का पिक्चर देखो, पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। और 3 नंबर में आप देख सकते हो वो थीफ है और यहाँ पे बच्चा है। जहां पर चिल्ड्रन वाला होगा आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, चिल्ड्रन वाला जहां पे होगा आप वहां पर देख सकते हो। तो आप देखो इसमें, हाँ यहाँ देखिए, आफ्टर अ सन इज बॉर्न द थीफ फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली। वो पाता है, जैसे उसका बच्चा होता है वो पाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, 3 नंबर। इसी तरीके से हम लोग आगे का देखेंगे। फोर नंबर में क्या है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो दोबारा से चोरी, मतलब वो जब जब उसकी शादी होती है लीलावती के साथ तो वो डिसाइड करता है कि वो अब कभी भी चोरी नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसका जब बच्चा हो जाता है तो वो देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने फैमिली का खर्च करा सके, तो उसके बाद वो वापस से स्टीलिंग करना मतलब चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, ही वेंट बैक टू स्टीलिंग। उसके बाद आपका 5 नंबर, द थीफ डेड, क्योंकि हम लोग उस चित्र में देखे हैं ना वो मरने की हालत में है, तो ये होगा 5 नंबर। इसके बाद आप बुक रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद लीलावती जो होती है वो एक बिजनेसमैन से मैरिड कर लेती है, शादी कर लेती है। ठीक है, इसलिए ये 6 नंबर। और उसके बाद जो बिजनेसमैन रहता है वो अपनी फैमिली को बहुत ही प्यार करता है, तो ये वाला 7 नंबर। फिर उसके बाद लीलावती और बिजनेसमैन दोनों मर जाते हैं तो 8 नंबर। उसके बाद एक यंग बॉय रहता है वो रिवर साइड में आता है, वो वाला है, आप देख लोगे नदी वाला चित्र यहाँ दिया गया है, इसलिए 9 नंबर। और उसके बाद आपका द यंग बॉय कुड नॉट मेक आउट विच पेयर ऑफ हैंड वॉज हिज फादर्स, रिकॉल्ड हिज मदर वंस मेंशनिंग हिज रियल फादर। तो ये वाला आपका हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद बेताल स्टॉप द स्टोरी, बेताल यहीं पर अपना स्टोरी जो है वो स्टॉप कर देता है, तो 11 नंबर। उसके बाद विक्रम जो है वो रिप्लाई करता है कि द बिजनेसमैन एज ही लव्ड एंड ब्रॉट अप द चाइल्ड बेताल फ्यू अवे, बता देता है स्टोरी का मोरल, तो बेताल जो है वो उड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग इसके हिसाब से इसको सजा लीजिएगा, ठीक है, पिक्चर देखकर। ओके, तो आप समझ जाओगे। ठीक, इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट लेसन है उसको, मतलब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो है उसे देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।